अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारा ये वाला ट्यूटोरियल है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीमेल पे हमने अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी ओपन करना है। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। जी मैंने अपना ऑफिशियल आईडी ओपन कर लिया है। जी मेरा ईमेल एड्रेस ओपन हो चुका है। दूसरे टैब पे हम स्लेट की साइट ओपन कर लेते हैं। दिस इज स्लेट यूआरएल। यहाँ से जाके आप यूनिवर्सिटी अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये यूनिवर्सिटी अकाउंट ओपन हो गया है। आपके पास कोर्सेज जो इनरोल होंगे, जिन कोर्सेज में आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डुप्लीकेशन या कोई भी एरर आया तो सेटिंग्स के बटन पे जाके साइट होम पे आप क्लिक करेंगे। जब आप साइट होम पे क्लिक कर देंगे तो जो भी कोर्सेज आपको अलॉट किए गए हैं, जिन भी कोर्सेज को आप टीच कर रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे होंगे। अब हमने देखना है कि हम क्लास को स्केड्यूल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको, एक कोर्स मेरे पास शो हो रहा है, मैं उस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर वीक वाइज वीक आ गए हैं सारे। 28 सितंबर से हमारे वीक स्टार्ट हुए थे, यहाँ से सारे वीक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले टर्न ऑन एडिटिंग पे क्लिक करना है, टर्न एडिटिंग ऑन। जब आप टर्न एडिटिंग ऑन कर लेते हैं तो इस तरह से आपका लुक हो जाएगी। और इस वक्त हमारा वीक चल रहा है 19 to 25 अक्टूबर वाला। एड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ से असाइनमेंट्स होंगी, यहाँ से क्विज होंगे, वो उसका अलग से ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक्सटर्नल टूल पे क्लिक करना है आपने। जूम मीटिंग स्केड्यूल करनी है, जो क्लास स्केड्यूल करनी है। एक्सटर्नल टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। तो लेट सपोज आपका लेक्चर है 4th and 24th अक्टूबर। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे आपको इजी रहे। यहाँ पे आपने एक्टिविटी का नाम रख दिया। यहाँ से जाके आपने जूम इवेंट स्केड्यूल चूज कर लिया और सारी वैसे की वैसे ही रहने देनी है आपने डिफॉल्ट सेटिंग्स। एंड डिफॉल्ट सेटिंग्स के बाद सेव एंड डिस्प्ले पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड डिस्प्ले पे जब आप क्लिक करते हैं तो समटाइम्स, क्योंकि मैं इनकॉग्निटो मोड यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर पॉपअप हुआ है कि मेरी ये एक्टिविटी ब्लॉक है। इसको मैं ओपन कर देती हूँ और डन करके रिफ्रेश कर लूंगी तो मेरे पास ओपन हो जाएगी विंडो लाइक दिस। यहाँ पे नो डाटा शो हो रहा है इसलिए क्योंकि अभी हमने कोई टाइम वगैरह सेट नहीं करा हुआ। यहाँ पर अब हम स्केड्यूल करेंगे और टाइम एंटर करेंगे अपनी मीटिंग का। सो अब आप क्लिक करेंगे स्केड्यूल न्यू मीटिंग। इस तरह से आपके पास आ जाएगा टॉपिक, इस तरह नहीं होगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट 7B। यहाँ पर अगर आपने टॉपिक की डिस्क्रिप्शन देनी है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ये आज स्केड्यूल कर रही हूँ, करंट डेट हमेशा शो करता है। आप यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट डे जब भी आप स्केड्यूल कर रहे होंगे वहाँ की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी क्लास कब है यहाँ से आपने देख लेना है। क्लास है आपकी, लेट सपोज जितने भी बजे है, 2 बजे क्लास है, 2 PM। कितने घंटों की क्लास है, 3 घंटे की आपकी क्लास है। बाकी सारा कुछ आप सेम रहने देंगे एंड यहाँ से आप सेव कर देंगे। जब आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आपका ये इनविटेशन भी आ जाता है। कॉपी इनविटेशन एड्रेस करना है तो आप एक दफा कर सकते हैं इस तरह से, कि अगर किसी बच्चे को या किसी को आपने शेयर करना हो एड्रेस, तो आप ऐसे करके कॉपी मीटिंग इन्विटेशन अपने पास सेव कर लें कहीं पर। और पासवर्ड यहाँ से आता है, आप शो भी कर सकते हैं, और किसी को वैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपकी मीटिंग स्केड्यूल हो गई है। अब मैं यहाँ पे बैक पे जाती हूँ आपके कोर्स में। ये हमारा कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट 7B। हमने यहाँ पर क्लास स्केड्यूल की है, लेक्चर 4th 24th। ये आपकी क्लास आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगी नई विंडो।
तो जब आप कल 2 बजे स्टार्ट करने लगेंगे क्लास, तो 5-3-4 मिनट पहले यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट जूम पे आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी. फॉर दिस आपके लैपटॉप पे जूम इंस्टॉल होना जरूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.